आमतौर पर वैज्ञानिकों के विषय में एक सोच ऐसी रहती है कि वो बड़े गंभीर चेहरा उदासीन लैब में ही गुजर रहने वाले, लेकिन कलाम साहब हर पल एक बड़े जीवंत व्यक्तित्व नजर आते हैं। जैसे उनके बाल थे वैसा उनके भीतर एक बालक था। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे, कौन से नई चैलेंज, उस चैलेंज को कैसे उठा लें और उस चैलेंज को पार कैसे करें, और यही उनके हर पल जीवन में रहता था। भारत शक्तिशाली हो लेकिन सिर्फ शस्त्रों से शक्तिशाली हो, ये कलाम साहब की सोच नहीं थी। वो इस मान करके चलते थे कि देश सरहदों से नहीं, देश कोटि कोटि लोगों से पहचाना, और इसलिए कलाम साहब उन दोनों धाराओं को साथ लेकर के चलते थे कि एक तरफ इनोवेशन हो, रिसर्च हो, रक्षा के क्षेत्र में भारत अपने पैरों पर खड़ा हो, और दूसरी तरफ भारत का मानव समुदाय संपन्न हो।